इलेक्शन के लिए जाते, एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा राष्ट्र प्रेम का जज्बा इस परिसर में झूम रहा, मानो आसमान से बादलों की छटा जो अभी तक अपनी गहराई को समेटे थी वो भी छिटक रही है और इस बात को एहसास करा रही है कि इस परिसर में मनाया जा रहा यह स्वतंत्रता दिवस समारोह मानो हम भी इसके साक्षी बनना चाहते हैं, प्रकृति भी इससे जुड़ना चाहती है। शायद इसीलिए कई दिनों की लुका छिपी के बाद आज भूख फेंकी है, भूख और छाव का यह वातावरण इस कार्यक्रम की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। जैसे हमारे यह कार्टून जो आज पूरी जिम्मेदारी, पूरी मुस्तैदी और पूरे अनुशासन समर्थता के साथ खड़े होकर राष्ट्र के इस तिरंगे और हमारी आन बान शान जो नतमस्तक हो रहे हैं और एक ऐसा वातावरण अनुकूलित हो रहा है जो इन पंक्तियों को साकार कर रहा है कि जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वो नग्न ही होकर खड़ा है और मृतक समान है। एक ऐसा जज्बा, एक ऐसी जिज्ञासा, एक ऐसी इच्छा शक्ति, एक ऐसी कर्तव्यपरायणता और राष्ट्र प्रेम का एक ऐसा अनुरक्त उदाहरण इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको न केवल गौरवान्वित करता है बल्कि ये बच्चों की सटी हुई कुमारियाँ हम सबको अंदर से आह्लादित कर रही है, प्रफुल्लित कर रही है और इनके माता पिता के मन को एक बहुत बड़े कातर भाव से रोमांचित कर रही है, उनको अनुकंपित कर रही है और उनके अंदर राष्ट्र प्रेम के जज्बे का संचार। हमारे अतिथि परेड के निरीक्षण के साथ सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए शायद जिस तरह का वातावरण हम सबने यहाँ पर निरूपित किया है, जिस तरह का माहौल यहाँ पर बनाया है, राष्ट्र प्रेम की एक अनंत भावना और अपने तिरंगे के आन बान शान के प्रति की इच्छा शक्ति और समर्पण की भावना इस बात को प्रमाणित करती है, इस बात को निरूपित करती है कि आप 2047 तक विकसित भारत के निर्माण न केवल आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं बल्कि हर तरह के संरक्षित, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और अनुशासित पीढ़ी को एक नई दिशा, एक नई प्रेरणा देकर राष्ट्र प्रेम की अनुभूति के उनके अंदर संचालित करना चाहते हैं। अरे निरीक्षण के साथ ही साथ मुख्य अतिथि सलामी मंच की तरफ और ये लहराता हुआ तिरंगा हमारे अंदर जोश को पैदा कर रहा है। हम आज भी इसके संरक्षा सुरक्षा के लिए एक शहरी की भूमिका में है। इसके बाद परेड आएगा, कोई आ रहेगा सर उनका एक औपचारिक कमांडर ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब कार्यक्रम के संबोधन के लिए ऑपरेशन श्री राजेश, सभी विभागाध्यक्ष, कर्मचारीगण, DCCISF श्री अजय, ACCISF धुनी फार्म में सजे बजे हमें गौरवान्वित करते हुए CISF के जवान, हमारे परिसर के चारों स्कूलों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षक, देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत हमारे प्यारे प्यारे बच्चे,
यूनियन एसोसिएशन के पदाधिकारी अध्यक्षगण, श्री शशिकांत, श्री सुरेश, श्री जितेंद्र, श्री आज्ञा शरण जी, आरोही राजनीति एवं प्रदर्शनी क्लब के पदाधिकारीगण, सभी संविदाकार संविदा बंधुओं एवं हमारे आसपास के गांव से आए हुए प्रतिनिधिगण, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमारे महान देश भारत की स्वतंत्रता को 77 साल पूरे हुए हैं। आज हम सब ना केवल स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं बल्कि आजादी के पुरस्कार के रूप में पिछले 76 वर्षों से सभी क्षेत्र में हुए विकास की स्वर्णिम उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं। हम सब कृतज्ञ भाव से उन सभी अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं भारत के महान नेताओं को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिनकी बदौलत आजादी के अमृत काल का यह अवसर हम सबको हासिल हुआ है। दोस्तों, आजादी को अमर रखने का संकल्प एवं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची निष्ठा तभी सिद्ध होगी जब हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। देश की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी होने के नाते ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना एनटी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए कंपनी नए नए प्रयोगों व संभावनाओं एवं नव प्रवर्तन के साथ किफायती, दक्षतापूर्ण एवं पर्यावरण हितैषी विद्युत उत्पादन करने की दिशा में अग्रसर है। आज एनटी की सीट पर स्थापित क्षमता 70,000 मेगावाट से भी अधिक हो चुकी है। इसका श्रेय हमारे प्रत्येक कर्मचारी, सभी सहयोगियों और उनके परिवारजनों को जाता है। एनटीपीसी ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2032 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 60 गीगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। मैं अपार हर्ष के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ, इस साल की फोर्स मैगजीन में टॉप 2000 कंपनियों में हमारी कंपनी 61 स्थानों की छलांग लगाकर 372वें स्थान पर पहुंच गई है। कंपनी के मिशन से अपने को जोड़ते हुए हमारी ऊर्जा परियोजना ने सभी कार्य क्षेत्रों में निष्पादन की गौरवशाली परंपरा कायम की है। मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए पिछले वित्तीय वर्ष में ऊंचार विद्युत ग्रह ने 62.16% PLF के साथ 84 मिलियन विद्युत उत्पादन किया है। प्लांट की उपलब्धता 84% से भी अधिक रही है, जबकि घोषित क्षमता 89.52% रही है। हमने 14.72 QF के साथ यानी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर के साथ सोलर जनरेशन 13 मिलियन यूनिट रहा है। हमारा प्लांट पुराना होने के साथ उसमें कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व दिवस पर हमारे प्लांट में वर्ष का 91.31% उत्पादन करके वर्ष का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादन हासिल किया। औद्योगिक स्वास्थ्य की और सुरक्षा के लिए समय समय पर प्रेरणादायी आयोजन किए गए हैं, इससे कर्मियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। कंपनी की पर्यावरण हितैषी नीति का पालन करते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं लाभ सदुपयोग की दिशा में हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वित्तीय वर्ष पिछले वर्ष में 138% खुराक का सदुपयोग करके हमने सराहनीय कार्य किया है। हर्ष का विषय है, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने एनटीपीसी ऊंचा आहार को वाटर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से नवाजा है, जो ऊंचा आहार परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। निगम सामाजिक दायित्व यानी कि CSR की संकल्पना एनटीपीसी की संस्कृति में समाहित है। हाल ही में संपन्न बालिका सशक्तिकरण अभियान कार्यशाला के माध्यम से आसपास की 120 बालिकाओं के सपनों को नई उड़ान देने का कार्य किया गया है। इस वर्ष इस कार्यक्रम में पद्मश्री सुधा सिंह, प्रतारोहित पूर्णा मलावत, CEO सरोज वंदना सिंह और प्रसिद्ध जर्नलिस्ट
ऋचा जैन कावरा आदि ने कार्यशाला में प्रतिभागी बालिकाओं को प्रोत्साहित किया तथा एनटीपीसी के अभियान की सराहना की। इससे सीएसआर के क्षेत्र में नए नए कल्याणकारी कार्य करने के लिए हमें प्रेरणा मिली। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आसपास के ग्रामीणों और स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँचाने के उद्देश्य से बहुत बड़े स्तर पर नेत्र जांच शिविरों का भी आयोजन किया गया। सीएसआर क्षेत्र को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हाल ही में हमें एक्सीड अवार्ड फॉर बेस्ट सीएसआर प्रैक्टिस भी हासिल हुआ। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष है कि हमारी परियोजना एनटीपीसी की इकलौती ऐसी परियोजना रही जिसने सीएसआर बजट को 100% इस्तेमाल करने में सफलता हासिल की। इतना ही नहीं, ऊंचा हार परियोजना ने कई नए क्षेत्रों में अवार्ड प्राप्त करके स्वच्छता के नए आयाम स्थापित किए, जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, निगम संचार क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका एवं फिल्म निर्माण के अलावा सीएसआर के क्षेत्र में बेस्ट चाइल्ड केयर अवार्ड के राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हमें मिले हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए अच्छा कार्य करने के लिए राजभाषा पुरस्कार का सम्मानित किया है। परियोजना की कार्यकारी कल्याणकारी संस्था जागृति क्लब आरोही क्लब तथा क्रीड़ा परिषद की गतिविधियाँ विविधता को नए आयाम देती है एवं वर्क लाइफ बैलेंस में करने में सहायक होती है। इन समितियों को इस अवसर पर बधाई देता हूँ। जन कल्याणकारी कार्यों को समाप्त करने में वर्ष की महिला क्लब का हमें बराबर सहयोग मिलता है। साक्षरता मिशन, गरीब मेघावी बच्चों की शिक्षा, जरूरतमंदों को समय समय पर सहायता एवं कौशल विकास की दिशा में निरंतर चलने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से लेडीज क्लब ने आगे बढ़कर कार्य किया है। लेडीज क्लब की अध्यक्षा एवं उसकी पूरी टीम को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। परियोजना के यूनियन